आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए, तब समझ में आएगा कि हाँ इनका आरोप है। ऐसे आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, और चूहा खा के बिल्ली हज को चली। क्या आईएएस आईपीएस का हाल इनके समय में था? कैसे हम उनके पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं, हम तो जेडीयू के ना हैं। अब क्या होगा नहीं होगा वो जाने, भाजपा जाने, चिराग जी जाने, उसमें हम क्या कर सकते हैं, न 3 में है न 13 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ तेजस्वी सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि चमचे बेलचे हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, जिसको लेकर सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 100 चूहा खाकर चले हैं हज पर, वो बोल रहे हैं उनके समय में किस तरह से आईएएस अधिकारियों को किया जाता था वो सभी लोग जानते हैं। और वहीं चिराग पासवान को लेकर भी सवाल किया गया कि उनकी पार्टी टूटने की दावा की जा रही है, उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, पहले सुनिए उनकी बात। इसके पहले वो आरसीपी टैक्स बोलते थे, आरसीपी सिंह तो चले गए, बोलते थे ना, नीतीश जी तो उनको हटा दिए, अब क्या है बताइए, बताइएगा ना। कोई ऐसे राह चलते नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष की कुछ गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन करें। राह चलते जो कार्यकर्ता काम करते हैं उस तरह का आरोप मत लगाएं। अगर इनके पास कोई आरोप है तो पुख्ता आरोप लगाइए, तब समझ में आएगा कि हाँ इनका आरोप है। ऐसे आईएएस आईपीएस की पोस्टिंग में पैसा लिया जाता है, भ्रष्टाचार हो गया, बेरोजगारी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर खराब, कोई मतलब हुआ साहब, क्या है बताइए ना भाई। देश का क्राइम निकालिए, बिहार में कितना हो रहा है, क्या हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है पर स्क्वायर किलोमीटर? हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व के प्रदेश हैं, सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड प्रदेश हैं, तो हमारे यहाँ बेरोजगारी, जनसंख्या ज़्यादा है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी ज़्यादा होगी। क्या सरकार उन बेरोजगारी पर काम कर रही है नहीं कर रही है, इसको ना देखना है। क्या सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने जो कमिटमेंट किया रोजगार के लिए, वो काम नीतीश कुमार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर ना बोलिएगा, उस पर तो आप बोलते नहीं है। ऐसे कुछ धरना पर बैठे ना भाई, तो कौन जातीय गणना पर कौन इनिशिएट किया, नीतीश जी के साथ थे क्या, समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी जब जातीय गणना का माननीय नेता ने निर्णय किया। जातीय गणना का जब माननीय नेता नीतीश कुमार ने निर्णय किया, क्या इनके समर्थन से सरकार थी जो इनके चलते हमने जातीय गणना करा दिया? ये तो नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी था, जो जल डैश जीवन डैश हरियाली से लेकर जो इनकी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी शुरू हुई और उन्होंने सर्वदलीय बैठक करके ये सब निर्णय कराना शुरू किया। सबसे पहले विधानसभा में निर्णय हुआ इसका, जल जीवन हरियाली का, उसके बाद ये निर्णय जातीय जनगणना का सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ। आप पार्ट नहीं थे, आप गवर्नमेंट के निर्णय के साथ थे। साथ होना और पार्ट होना दोनों में फर्क है। अभी घूम घूम कर ऐसा इंप्रेशन जला दिखा रहे हैं कि जातीय गणना इन्हीं का कराया हुआ है, इन्हीं ने नीतीश कुमार को डिक्टेट किया, इन्होंने नीतीश कुमार पर दबाव दिया, ऐसा परसेप्शन बना रहे हैं। इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है इनकी? सरकार का निर्णय, मुख्यमंत्री का निर्णय, आप उनके साथ लटक में थे। सेक्रेटरी को लेकर के भी चर्चा है, कब तक नोटिफिकेशन होगा ये सब? तो सर ये तो मुख्यमंत्री का निर्णय है। मुख्यमंत्री जी हमारे 18 वर्षों से बेस्ट डीजीपी देने का काम किया है, बेस्ट सीएस जो सिस्टम में है वो देने का काम किया, और उम्मीद करते हैं कि निर्णय बढ़िया निर्णय होगा। एक सवाल और है कि विपक्ष जो है, ये सब विपक्ष आयोग और बोर्ड में आपके नेताओं की नियुक्ति हुई है, एनडीए के नेताओं की, कब तक हो जाएगी विसूत्री का आप लोगों ने? ये हमारा काम जो एनडीए के जो हमारे नेता लोग हैं वो करते हैं, इसके लिए विजय चौधरी जी अधिकृत है। बातचीत हो रही है और बहुत जल्दी सब हो जाए। बीजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि भादो बाद एनडीए भगदड़ होने वाली है। ये कौन है? आरजेडी के प्रवक्ता मित्र बोल रहे हैं भादो बाद एनडीए भगदड़ होने वाली है। ठीक है, तो उनको भी उधर ले आएंगे जल्दी। आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर होता है तब भी आरोप लगाते हैं, कोई छोटी घटनाएं घटती है तो आंकड़े जारी करते हैं, क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं? ऐसा है 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। क्या आईएएस आईपीएस का हाल इनके समय में था? ये अब जो लोग जिनके कार्यकाल में जिनको बिहार की जनता ने 15 साल तक राज करने का मौका दिया और जिन्होंने 15 साल तक राज किया,
वो लोग आज आईएएस आईपीएस के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। क्या परिस्थिति का बिहार था और आज नीतीश कुमार के कार्य प्रणाली पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनको अपने माता पिता के कार्य प्रणाली पर उनको याद नहीं है और कभी उन्होंने अफसोस जाहिर नहीं किया कि बहुत जो 15 साल का उनका कार्यकाल था बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अब आप नीतीश कुमार के कार्यकाल पर टीका टिप्पणी रोज करते हैं। कौन आईएएस आईपीएस है जो दबाव में है? एक का नाम बताएं, एक का भी नाम बताएं ना कि कौन आईएएस आईपीएस दबाव में है, कौन आईपीएस आईएएस आईपीएस परेशान है, कौन लोग प्रसन्न नहीं है कि क्षेत्रीय पार्टी बड़ी पार्टी ना हो जाए इसलिए बीजेपी जो है चिराग पासवान को 3 सांसद को तोड़ गया। इसका जवाब तो चिराग पासवान के लोग देंगे ना, हम कैसे, हम उनके पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी हैं, हम तो जेडीयू के ना हैं। अब क्या होगा नहीं होगा वो जाने, भाजपा जाने, चिराग जी जाने, उसमें हम क्या कर सकते हैं, न 3 में है न 13 में है। पश्चिम बंगाल पर जो ममता बनर्जी का बयान है, उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में कुछ होता है तो असम, बिहार, झारखंड, दिल्ली सब चलेगा, हम माफी नहीं मांगेंगे, भारत भी चलेगा। तो वो अपने आप को नेशनल लीडर समझ रहे हैं, उनका कुछ बिगड़ेगा तो वो सब जगह बिगाड़ देंगे। तो ये खाली गनीमत कहिए कि बिहार बंगाल, बिहार आसाम और ये बोलिए, ये नहीं कहें कि श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी गड़बड़ा जाएगा, गनीमत करिए। आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर और जिस तरह से तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं और 1 सितंबर को जो उन लोग धरना दे रहे हैं उसको लेकर और चिराग पासवान को लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूज़ 4 के साथ, नमस्कार।